आप देख रहे हैं न्यूज लाइन, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एम्बुलेंस संघ ने लगाया एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआई पर एम्बुलेंस सेवा में घोटाला करने का आरोप। आज जीवनदायिनी एम्बुलेंस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआई पर एम्बुलेंस सेवा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में सभी एम्बुलेंस सेवा प्रदाता के जिला प्रभारी एवं प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाता है और उन पर हर एम्बुलेंस में 40, 25 और 30 मरीज लाने का दबाव बनाया जाता है। मरीजों की संख्या में हेरफेर की जाती है और अधिकारियों द्वारा एम्बुलेंस को फर्जी 200 से 250 किलोमीटर दौड़ाने का भी दबाव बनाया जाता है। एम्बुलेंस पर फर्जी दिखाए जाने वाले मरीज पर फर्जी आधार नंबर एवं फर्जी मोबाइल नंबर डालकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि यह भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हर जिले में चरम पर हो रहा है। जो भी कर्मचारी इन बातों की शिकायत करता है उसे कंपनी द्वारा तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता है। अभी कुछ महीने पहले कर्मचारियों द्वारा कंपनी के इन भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण कंपनी ने एक साथ कई हजार एम्बुलेंस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सरकार को गुमराह करके फर्जी बिलिंग सरकार से करवाई जा रही है। यह भ्रष्टाचार 2012 से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन कंपनी के शीर्ष अधिकारी इस बात को सरकार तक गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं। एम्बुलेंस संघ ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जाए। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीबी के ईएमआरआई के द्वारा इस समय उत्तर प्रदेश में 102, 108 की 4470 एम्बुलेंसों पर फर्जी मरीज का टारगेट दिया जाता है। फर्जी मरीज का टारगेट इस प्रकार से दिया जाता है कि प्रत्येक जिलों में जो जिले पे प्रभारी नियुक्त होते हैं ईएमई, इमरजेंसी मेडिकल एग्जीक्यूटिव और प्रोग्राम मैनेजर पीएम, यह लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और कर्मचारियों को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको फर्जी टारगेट दिया जाता है कि आपको आज 25 मरीज, 50 मरीज, 40 मरीज लेकर आने। उत्तर प्रदेश में जो कि 9 तारीख को एचआरपी डे, हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे मनाया जाता है, 21 तारीख को खुशहाल दिवस मनाया जाता है, वेलनेस डे मनाया जाता है, 5-5 डे मनाए जा रहे हैं इस समय। तो पांचों डे पर इस समय फर्जीवाड़े का इतना बड़ा भरमार है कि उस दिन गाड़ियों को टारगेट दिया जाता है कि आपको 240 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 150 किलोमीटर गाड़ियां आपको चलानी ही चलानी है। प्रत्येक एम्बुलेंसों पर 30 से 40 मरीज लाने ही लाने हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, सरकार के पैसे का बहुत बड़ा गबन हो रहा है। ये कंपनी 2012 से उत्तर प्रदेश में कार्यरत है और अभी तक इस समय व्यापक स्तर पर घोटाला कर रही है। प्रत्येक एम्बुलेंस पर फर्जी मोबाइल नंबर और फर्जी आधार कार्ड लेकर उसका डाटा बनाकर उस पर KSID बनाकर सरकार से फर्जी बिलिंग कराया जाता है, पर केस के हिसाब से, प्रत्येक मरीज के हिसाब से। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस जीवी के ईएमआरआई कंपनी पर एक महत्वपूर्ण जांच बैठ है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक एम्बुलेंस पर अगर जांच आप करवाएंगे 2012 से लेकर अभी तक, वो बृहद घोटाला और बृहद पैसे का, सरकारी धन का दुरुपयोग आपको दिखाई देगा। इस समय जो यह फर्जी टारगेट, फर्जी मरीज नहीं लाने का काम करता है उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, इसी का शोषण आज उत्तर प्रदेश में 9000 एम्बुलेंस कर्मचारी भुगत रहा है। 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को यही जीबी के एमआरआई के भ्रष्टाचारों का खुलासा करना महंगा पड़ा था। उन्होंने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई थी। भ्रष्टाचार की आवाज़ को दबाने के लिए जीवी के ईएमआरआई कंपनी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ अधिकारियों के द्वारा गलत सूचनाएं प्रस्तुत की, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को गलत सूचनाएं प्रस्तुत की, प्रत्येक जिला अधिकारी और सीएमओ साहब को गलत सूचनाएं प्रस्तुत की। उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में 8 साल से कार्यरत एम्बुलेंस कर्मचारी, EMT और पायलट को निकाल दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय महाराज जी, उत्तर प्रदेश के 9000 एम्बुलेंस कर्मचारी आपके आशीर्वाद और प्यार के भूखे हैं। उस कोरोना की वैश्विक महामारी संवेदनशील समय में इन्हीं एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1 मीटर से कम के दायरे में मरीजों को सेवाएं दी थी। जब लोग एक दूसरे को छूने से डरते थे तो यही एम्बुलेंस कर्मचारी अपने गोदों में लेकर चलते थे। इनको आपका आशीर्वाद और प्यार की जरूरत है। हम लोगों ने
बहुत प्रदेशवासियों की अपने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा की है। मैं आग्रह करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जीबीके एमआरआई कंपनी, जो उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी है, इस पर जांच बैठाई जाए और कड़ा रुख अपनाया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं जिस दिन जांच बैठेगी उत्तर प्रदेश में यह कंपनी भाग जाए। यह उत्तर प्रदेश की बहुत घोटालेबाज कंपनी है, इसमें कई अधिकारियों की मिलीभगत है कंपनी की, कि जो कि सरकार को गलत डाटा प्रस्तुत करके पर महीने फर्जी बिलिंग करवाते हैं, करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं। इस पर जांच बैठने से उत्तर प्रदेश का करोड़ों रुपए बचेंगे, जो अन्य विभागों में अन्य प्रदेशवासियों के कायाकल्प के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे और मील का पत्थर साबित होंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए और उत्तर प्रदेश की जीवीके एमआरआई कंपनी पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई जांच बैठाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक।